गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जेपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। इससे पहले के जो वीडियोज हैं उसमें हमने जावा का बेसिक्स देखा था, जावा क्या होती है, जावा के फीचर्स देखे थे। अब प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब कुछ लिखते हैं, चाहे नोटपैड में लिखें या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, कुछ लाइंस का एक प्रोग्राम होता है। वो डिपेंड करता है कितनी लाइनें होगी, कि हमारा प्रोग्राम है उससे हम क्या कार्य करवाना चाहते हैं। 10 लाइन का प्रोग्राम भी हो सकता है, 50 लाइन का भी या 1000 लाइन का भी। तो जो फाइल हम बना रहे थे उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ इस तरह से होता है कि आपको कोई प्रोग्राम करना है, मतलब कोई इवेंट करनी है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में आपको, मान लीजिए गांधी जयंती आपको सेलिब्रेट करनी है, तो गांधी जयंती में शुरू करना है आपको, शुरुआत से लेके लास्ट तक आप क्या क्या इवेंट्स उसमें करोगे, आप कौन से टाइम पर क्या होगी, किस इवेंट के बाद में कौन सी इवेंट आएगी, जिसमें आपके कल्चरल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आप स्पीच दे सकते हो, ऐसे राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ आप करोगे उस इवेंट के अंदर, तो वो एक सीरीज बनेगी, कई सारी इवेंट्स होगी उसके अंदर। तो वो तो आप जिस दिन प्रोग्राम आपको परफॉर्म करना, आप किसी भी तरह का आप कार्य करते हो, वो तो जिस दिन करोगे उस दिन होगा, लेकिन उससे पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है। जैसे कि आपने एक पेन और पेपर लिया और पेपर के ऊपर आपने लिख लिया कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 9:00 बजे, फिर 9:15 पर इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद में 9:30 पर कोई एक्टिविटी होगी, उसके बाद में अलग अलग एक्टिविटीज़, लास्ट में मान लीजिए कि 12:00 बजे या 1:00 बजे आपको समापन करना, तो समापन। तो इस तरह से पूरा अपन ने फिक्स कर रखा है कि कितने बजकर कितने बजे हम ये काम करेंगे, तो वो करना तो जिस दिन होगा उस दिन करेंगे, लेकिन उसकी प्लानिंग तो हम पहले करते हैं, एक पेपर पर लिखते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कुछ बनाते हो, तो वो तो लास्ट में जब कार्य तो तब करेगा जब आप इंस्टॉल करोगे, बनाने के बाद में जब वो रन होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या काम करवाना चाहते हो वो लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, किस कोई एडिटर रहता है उसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे सी और सी प्लस प्लस में अपन ने टर्बो सी यूज किया था, जावा के अंदर नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं, या फिर कोई दूसरा अपन टेक्स्ट एडिटर काम में ले सकते हैं। तो जो लाइनें अपन ने लिखी है उस कोड को, उसको हम बोलते हैं कोड, ठीक है, और उस सब को मिला के हम बोलते हैं प्रोग्राम, कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो प्रोग्राम आपके समझ में आ गया। अब जावा के अंदर कौन कौन से तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, देखिए जावा में हमने देखा कि जावा एक रोबस्ट जनरल पर्पज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको यूज करते हुए हम पावरफुल सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। इसका मतलब पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये जावा। जैसे आपको कुछ प्रोग्राम करना है तो आप क्या करोगे, आगे एक प्लेटफॉर्म रहता है, एक मंच रहता है जिसके ऊपर आप प्रोग्राम करते हो, तो वहीं पर क्या है, यहाँ पर जावा का अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना, जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो आपको कोई मंच की तो ज़रूरत है जिसके ऊपर आप उसको तैयार करोगे और जिसके ऊपर परफॉर्म होगा। तो जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में वो डटा रहने वाला, कैसी भी परिस्थिति आए वो उस परिस्थिति को झेलकर डटा रहेगा। तो जावा को भी हम रोबस्ट बोलते हैं।
क्योंकि कई तरह की परेशानी आती है सॉफ्टवेयर को चलाने में, तो ये इतना मजबूत होता है कि वो परेशानियों के बावजूद भी आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या क्या परेशानियाँ आएगी, एक्सेप्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं। जनरल पर्पज़ होता है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। जनरल पर्पज़ मतलब जनरली जो हम यूज करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग दो तीन लेवल की हम करते हैं कि लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो लो लेवल या मशीन लेवल की जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो उसमें जैसे बाइट बाइनरी लैंग्वेज वगैरह जो आएगी, जिसमें 0101 में हम शुरू में प्रोग्रामिंग करते थे। फिर मिडिल लेवल के अंदर आप ले सकते हो उसे असेंबली वगैरह या सी लैंग्वेज वगैरह, इस तरह की जो प्रोसीजर लैंग्वेज है। हाई लेवल के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज आ गई, तो सी जावा है, वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पोर्टेबल मल्टी थ्रेडेड। तो और क्या क्या फीचर्स आ गए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम पढ़ चुके हैं क्या है। सी प्लस प्लस, जावा, PHP और .NET, हमारी सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और आजकल हम जितने भी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो लगभग सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती है, क्योंकि हमारा जो रियल लाइफ में जो काम होता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एक सिस्टम पर ही चले। आपके एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप चला सकते हो, पांच अलग अलग कंप्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, तो वो साथ में मिलके भी एक सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जिसको ले जाया जा सकता है, उस चीज़ को हम पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी नोटबुक है, पेन है, वो पोर्टेबल आप कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन आपका क्लासरूम है, वो पोर्टेबल नहीं है, उसको आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो ये पोर्टेबल है, मतलब आपने एक सिस्टम पर बनाया है और आप दूसरे सिस्टम पर चला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने जिस सिस्टम पर डेवलप किया वहीं पर चलेगा। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो मशीनरीज होती है, तो छोटी छोटी जो मशीनें होती है, वो पोर्टेबल होती है, आप कहीं भी ले जाके उसको चला सकते हो। आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, तो कंपनी में जहाँ बनते हैं वहाँ से कहीं भी हम ले जाके उनको चला सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको ले जा नहीं सकते, जैसे आपका घर है, तो घर ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बनाया और मार्केट से खरीद के ले आए आपका घर पर, आपको वहीं पर बनाना पड़ेगा, तो वो पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो पोर्टेबल हो गया। मल्टी थ्रेडेड आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, मैंने पहले बताया जावा में। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है इसमें एक जो प्रोग्राम होता है बड़ा, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बटा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। जावा फॉलो दी राइट वंस रन एनी वेयर अप्रोच। मतलब जावा किसको फॉलो करती है? एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ, इस अप्रोच को फॉलो करती है। ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, जैसे आपने नोटपैड बना दिया, तो नोटपैड एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद में उसका सेटअप जहाँ जहाँ आप जिस जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे वहाँ वहाँ वो चल जाएगा। तो एक बार लिखा और कई बार आप उसको यूज कर सकते हो और कहीं भी यूज कर सकते हो। ऑल जावा प्रोग्राम्स मस्ट रन ऑन द जावा प्लेटफॉर्म दैट हैज टू कंपोनेंट्स। तो जितने भी तरह के जो जावा प्रोग्राम्स होंगे हमारे, जो सॉफ्टवेयर्स होंगे जावा में बने हुए, वो सिर्फ जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन होते हैं। उनको रन कराने के लिए जावा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। वो हर एक लैंग्वेज में होता है। जैसे अगर आपने .NET में बनाया है, तो उसके लिए .NET प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट बनाई हुई या वेब एप्लीकेशन है, तो वो चलेगा ब्राउजर के अंदर। तो सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं उनको रन कराने के लिए। अब जावा का जो प्लेटफॉर्म है, वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला कंपोनेंट है जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं JVM, और दूसरा है जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API। ठीक है, जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो ये दो कंपोनेंट होते हैं जावा प्लेटफॉर्म में। अब जावा के अंदर जो हम टॉपिक हमारा है कि जावा में डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, तो जावा में स्टैंड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, एपलेट्स होते हैं और सर्वलेट्स। मेनली ये तीन तरह के हमारे पास इसमें प्रोग्राम्स होते हैं जावा में।
स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जावा में स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं, वो प्रोग्राम हम लिखते हैं किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। ठीक है, हमें स्पेसिफिक काम करना है कि दो की टेबल प्रिंट करवानी है, 2, 4, 6, 8, 10, तो वो टेबल प्रिंट कराने के लिए हमारा एक स्पेसिफिक एक प्रोग्राम होगा और वो स्टैंड अलोन होगा। आप उसको कहीं भी रन करवा सकते हो JVM पर, और वो दो की टेबल प्रिंट कर देगा। या फिर हमने ऐसा बना दिया कि उसमें यूजर ही वैल्यू डालेगा कि किसकी टेबल प्रिंट करानी है, तो जो वैल्यू यूजर डालेगा उसकी वो टेबल प्रिंट कर देगा। या फिर सॉफ्टवेयर्स हो गए हमारे, जैसे नोटपेड है, PDF रीडर है, MS ऑफिस है, ये स्टैंड अलोन, मतलब इनका सेटअप आपने जहाँ कंप्यूटर में डाल दिया, एक बार सेटअप करने के बाद में आपको इंटरनेट वगैरह या कोई किसी भी दूसरी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी, ये चलेंगे। तो ये सारे क्या है, स्टैंड अलोन, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया उसके बाद में वो चलेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन होते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, ये डायरेक्टली जावा इंटरप्रेटर पर काम करते हैं। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन शुड बी डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन ईच कंप्यूटर बिफोर इट इज रन। तो इसको कंप्यूटर पर चलाने के लिए हमें पहले इसका सेटअप की जो फाइल्स है वो चाहिए। आप चाहे उसको पेन ड्राइव से डालो या CD से या इंटरनेट से, कहीं से भी आप ट्रांसफ़र करो, लेकिन वो जो फाइल्स है सेटअप फाइल्स उस सॉफ्टवेयर की, वो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, फिर आप उसको आप रन कर सकते हो। जैसे MS ऑफिस आपको चलाना है तो आपके कंप्यूटर में पहले आपको सेटअप चाहिए, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया या पेन ड्राइव में लेके आए, आपने अपने कंप्यूटर में उसको कॉपी पेस्ट किया और फिर उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में वो स्टैंड अलोन हो जाता है, फिर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए। जैसे आपका कंप्यूटर ऑन हुआ आप उसको चला सकते हो। इट कैन हैव इधर ए कमांड लाइन इंटरफेस, CLI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है वो या तो CLI टाइप का हो सकता है या CGI। CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब इसमें कुछ भी आपको इनपुट देना है तो आप कमांड के थ्रू दोगे। ठीक है, आप इसमें ग्राफिक्स वगैरह आपको नहीं दिखेगी, जैसे MS-DOS होता है उस टाइप का। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है माउस की हेल्प से आपको ग्राफिक्स दिखती है, तो ग्राफिक्स को यूज करते हुए भी आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हो। यू हैव ऑलरेडी यूज अ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सच एज टेक्स्ट एडिटर्स, वर्ड प्रोसेसर्स एंड गेम्स एप्लीकेशंस। तो हम रियल लाइफ में खूब सारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस काम में लेते हैं जो कि बिना इंटरनेट के हेल्प के चलते हैं। आप जैसे गेम्स खेलते हो मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो उसको आपने इंस्टॉल कर दिया आप खेलते हो, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो स्टैंड अलोन होते हैं। उसके बाद में आता है जावा एप्लेट्स। जावा एप्लेट क्या होता है, एप्लेट एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जावा के अंदर, जो कि किसके साथ एम्बेड रहता है, HTML के साथ। HTML फाइल है, उसके अंदर ही उसको हम लिखते हैं, उसके साथ में ही वो उससे अटैच रहता है HTML फाइल से। और ये रन होता है या तो जावा इनेबल्ड आपका वेब ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, कई सारे अपने पास ब्राउजर है आजकल, तो किसी भी ब्राउजर के अंदर ये चल जाएगा। आपको उससे पहले जावा इनेबल्ड उसको बनाना पड़ेगा, मतलब जावा आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी वहाँ पर। या फिर उसके अलावा हमारे पास एपलेट व्यूअर होता है, तो एपलेट व्यूअर में इसको चला सकते हैं एपलेट को। एपलेट को जावा फाइल है, उसके अंदर एम्बेड करने के लिए हम टेक काम में लेते हैं लेस देन एपलेट ग्रेटर देन। ठीक है, या फिर हम ऑब्जेक्ट टेक है वो काम में ले सकते हैं, और इसको कहाँ रखते हैं, हम सर्वर के ऊपर रखते हैं। सर्वर पर फिर HTML फाइल के साथ में ये ट्रांसफ़र होता है क्लाइंट मशीन पर। जब एक यूजर है वो HTML पेज जिसके अंदर की एपलेट भी एम्बेड है उसको एक्सेस करता है,
तो एप्लेट कोड है वो डाउनलोड हो जाता है। ओरिजिनली एप्लेट कोड कहाँ था? सर्वर पर, लेकिन सर्वर से जैसे हमने उस वेब पेज को एक्सेस किया तो HTML कोड के साथ साथ एप्लेट का कोड भी क्लाइंट मशीन पर आ जाता है, और क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमने ब्राउजर पर पहले से इंस्टॉल कर रखी है। चूंकि हम जानते हैं कि जावा का जो बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि जावा का जो एप्लेट है वो भी किसी भी ब्राउज़र के अंदर चलेगा और किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या यूनिक्स हो या लिनक्स हो या मैक ओएस हो, ठीक है, आपने एप्लेट बना दिया तो वो किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ब्राउज़र में चलेगा। एप्लेट्स जनरली यूज टू प्रोवाइड सम इंटरेक्टिव फीचर्स टू वेब एप्लीकेशंस दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई HTML। तो हमने जैसा कि देखा कि दो तरह की वेबसाइट्स होती है, डायनामिक और स्टेटिक। तो स्टेटिक वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ HTML को यूज करके हम स्टेटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक होती है ना, वो क्या है, स्टेटिक का उदाहरण है। वो बुक अगर 10 साल पहले लिखी है तो बिल्कुल वैसी है आज भी, जब तक कि उसका नया संस्करण नहीं आता, नया वर्जन उसका नहीं आता। तो वैसे HTML में जब स्टैटिक फाइल्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप कई सालों बाद में भी उसको ओपन करोगे तब भी वो वैसी दिखेगी जैसे पहले आपने देखी, 6 महीने बाद में करो या 6 साल बाद में, जब तक कि उसकी HTML फाइल है उसको नई फाइल से वो रिप्लेस नहीं कर दे। लेकिन अगर हम HTML के साथ में एप्लेट को यूज करें तो हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जिससे कि यूजर कुछ इंटरेक्ट कर सके, कुछ एनिमेशन टाइप का कर सकते हैं, कुछ साउंड प्ले कर सकते हैं, इस तरह का कुछ। तो एप्लेट को यूज़ करके हम डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई वेब पेज है वो दिखा रहा है एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड डेटा, या फिर आपका रिजर्वेशन स्टेटस दिखा सकता है ट्रेन में या एरोप्लेन में या बस में, या फिर शेयर मार्केट है उनकी प्राइसेस कैसे चल रही है वो डायनेमिकली आपको दिखा सकता है। तो ये जो डायनेमिक जो इतने काम है वो सिर्फ HTML की हेल्प से हम नहीं कर सकते। या फिर गाने सुनते हो आप ऑनलाइन तो साउंड प्ले करना है वो भी सिर्फ HTML की हेल्प से नहीं हो पाएगा। या फिर डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों को प्रदर्शित करना, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए डायनामिक वेबसाइट्स, और वो हम HTML के साथ में एप्लेट को यूज़ करके बना सकते हैं। फिर आता है जावा सर्वलेट्स। जावा सर्वलेट्स प्रोवाइड वेब डेवलपर विथ अ सिंपल कंसिस्टेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सटेंडिंग द फंक्शनलिटी ऑफ अ वेब सर्वर एंड प्रोवाइड डायनेमिक बिहेवियर फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो जावा सर्वलेट है वो वेब डेवलपर्स को सिंपल कंसिस्टेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके एक डेवलपर है वो डायनेमिक एप्लीकेशन है, डायनेमिक वेबसाइट है वो बना सकता है। सर्वलेट्स क्या होते हैं? जावा की क्लासेज ही होती है। एप्लेट्स भी क्या है? जावा की इनबिल्ट क्लासेज है, सर्वलेट भी इनबिल्ट क्लासेज है। अगर आपको अपना सर्वलेट या एप्लेट बनाना तो आप क्या करोगे, जो भी आपको बनाना है वो अपना मनपसंद नाम देंगे और सर्वलेट या एप्लेट है उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे वहाँ पर, मतलब जो इनबिल्ट सर्वलेट या एप्लेट है हमारा उसकी एक चाइल्ड क्लास हम बनाएंगे अपनी पसंद के नाम की, और उसके अंदर हम जो इनके इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। और सर्वलेट्स को यूज करके CGI प्रोग्राम्स जो कि जिनमें आप इंटरेक्टिव फीचर्स डाल सकते हो, ग्राफिक्स फीचर डाल सकते हो आप, दे एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। तो सर्वलेट को हम यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, कोई क्लाइंट होता है उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, तो आप क्या करोगे,
अपना रोल नंबर टाइप करोगे, एक रिक्वेस्ट भेजोगे, या सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो वेबसाइट का URL है वो टाइप करोगे, ठीक है, जिस भी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आ रहा है वो वेबसाइट आप टाइप करोगे, तो वो URL है वो जाएगा सर्वर के पास में, वो सर्वर वो वेब पेज शो कर देगा जिसमें क्या लिखा होगा, सर्च बाय रोल नंबर या सर्च बाय नेम। अब आप अपना रोल नंबर डालोगे और सबमिट करोगे, तो वापस एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर पर क्या है, सर्वलेट है, तो सर्वलेट उस एक्सेप्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को और फिर एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। आपने रोल नंबर डाला तो वो डेटाबेस के पास जाएगा, वो डेटाबेस में चेक करेगा कि ये रोल नंबर है उसके रिजल्ट क्या रहा है उसका, तो वो रिजल्ट डेटाबेस से निकालेगा और फिर वो रेस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट मशीन पर, और क्लाइंट मशीन पर जो आएगा रेस्पॉन्स आएगा वो HTML फाइल के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, वो था टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स में, और हमने तीन तरह के प्रोग्राम्स देखे जावा में, स्टैंड अलोन, एप्लेट्स और सर्वलेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियोज रेगुलरली आप अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।